वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आरएमटी। मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम स्टूडेंट खैरियत होंगे, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बट आप देख सकते हैं आपके पास सिलेबस जो है वो आ चुका है, फेडरल बोर्ड का भी सिलेबस आ चुका है, स्मार्ट सिलेबस सारे का सारा, और इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड का जैसे मैंने बताया था उसका भी आ चुका है। और इसके बाद अब जो सिलेबस आने जा रहा है वो आपके पास केपीके बोर्ड का आ रहा है, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर का, यानी केपीके बोर्ड का, खैबर पख्तूनख्वान का जो है ये आपके पास सिलेबस आने जा रहा है। तो बेटा एक बात जहन में रख लें, सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कट आपके जहन में होनी चाहिए कि आपका सिलेबस किस जगह पे अपलोड होगा और कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, किस तरीके से एफएससी का और उसके बाद एसएससी का कैसे सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं आपके पास एसएससी का जो सिलेबस है केपीके बोर्ड का वो आ चुका है, आप वहाँ से उनकी यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइट पे भी आया हुआ है। इसके अलावा आपके पास अब असल जो प्रॉब्लम है ना, मेन जो प्रॉब्लम है आपके पास अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो स्टूडेंट को केपीके बोर्ड्स की टेंशन है कि सर आया कि हमारा सिलेबस कब आएगा। तो बेटा आपको एक थोड़ी सी मैं एक बात क्लियर कट कर देता हूँ, बता देता हूँ जो मुझे पता चला है कि आपके सिलेबस पर काम हो रहा है। लेकिन एक जो खबर जो मुझे ये भी मिली है कि आपके पास हो सकता है जो पंजाब फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब फेडरल बोर्ड वाला जो सिलेबस है आया कि वही सेम जो है वो आपके पास केपीके बोर्ड को ही दे दिया जाए, क्योंकि केपीके बोर्ड जो है उसके अंदर भी यही बुक्स जो हमारी पढ़ाई जा रही हैं कुछ बुक्स का। लेकिन अब केपीके जो बोर्ड है उसके अंदर भी मजीद बोर्ड्स हैं, ठीक है, तो जारी बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो नज़र आ रहा है। लेकिन बेटा असल बात पे आते हैं, आपके पास आपका सिलेबस क्या आया कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेटा एक तो बात जहन में रख लें, आपने एक सिलेबस की मैं टेक्निक बता देता हूँ जहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ये देख सकते हैं आपके पास ये यहाँ पे कुछ स्कीम्स उसने शो कर रखी हैं, ये देखें एडमिशन आजकल जा रहे हैं, उसके बाद आपके पास लास्ट डेट कब है एडमिशन फॉर्म की, और प्रमोशन कार्ड अगर कोई लेना चाहता है तो ये आपके पास उस चीज़ें यहाँ पे उसने शो कर रखी हैं। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो बेटा आपका सिलेबस इस जगह पे अपलोड होगा और बहुत जल्द आपका सिलेबस आप लोगों का भी आने वाला है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बाद में परेशान होंगे कि सर हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो बेटा आपने यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है और उसमें कोई बड़ी इतनी साइंस भी नहीं है, ईजिली सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास एसएससी है, एचएसएससी है, देखें आपके पास यहाँ से बिल्कुल आपको क्लियर कट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं उसके जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है वो भी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही देखने सकते हैं, रिवाइज नोटिफिकेशन, ये आपके पास इनरोलमेंट हो रही है आजकल 9th क्लास की, तो सिलेबस के काम चल रहा है वो बहुत जल्द जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये है कि सर बहुत जल्दी है, जारी बात है उनके टाइम गुजर रहा है, तो लेकिन बेटा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका मतलब मिल जाएगा। और ये कुछ आपके पास देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल उसने ये शो कर रखी है कि केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल है उनकी लिस्ट को यहाँ पे शो किया गया, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके बता देता हूँ। खैर ये सिलेबस से उससे तो टेंशन ना लें बेटा, आपके पास जो 9th जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या आई कॉम बी कॉम ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन यही है कि सर हमारा सिलेबस कब आएगा। तो बेटा आपका सिलेबस बहुत जल्द आ रहा है, इस पर काम चल रहा है। और लेकिन यहाँ से ना सबसे बड़ी बात है कि आप मुझसे पूछें या बार बार किसी और से पूछें तो आप इसकी जो साइट है इसको आप सर्च करें और यहाँ से आपको तमाम का तमाम जो डाटा है वो मिल जाएगा कि आपके पास किस जगह से होना है, ठीक है उनकी जो। और इसके अलावा देख सकते हैं आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रिवाइज टेक्स्ट बुक्स अकेडमिक ईयर 2020-21 आपकी जो बुक रिवाइज हुई हैं बेटा वो भी यहाँ सारी की सारी यहीं से मिलेंगी, क्योंकि यही असल जगह है, यही एक साइट है जिस पे आपके पास आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इसके अलावा और कहीं से नहीं आपने चीज़ें लेनी। और बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसी ही कोई नई रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये प्रैक्टिकल लिस्ट के मतलब अगर बात की जाए तो आपके पास जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनकी प्रैक्टिकल लिस्ट आई है जी, आपके पास लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से, ये भी स्मार्ट सिलेबस में कन्वर्ट कर दी गई हैं, उनमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास है। ये खैर जो 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके मतलब है कि उनके सिलेबस
देख सकते हैं आपके पास ये सारे के सारे उनके टेस्ट वगैरह जो भी उनके केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं ये उनका शो किया गया है। तो यहाँ से आपके उनके देखो क्वांटिटी तक बताई हुई कौन कौन से केमिकल, ये सारी चीज़ें खैर स्टूडेंट को इतनी खास नहीं है, लेकिन असल चीज़ भी आते हैं आपके पास सिलेबस से। तो बेटा यहाँ से आपने सारे का सारा सिलेबस जो है ये डाउनलोड करना है, अपनी बुक्स को डाउनलोड करना है, और इसके अलावा आपके पास जो रिजल्ट्स वगैरह होता है वो भी यहीं पे ही अपलोड होता है। और देख सकते हैं आपके पास ये ऑफिशियल साइट है और यहीं पे आपके पास बहुत जल्द जो है ये अपलोड होने वाला है। और अगर रिजल्ट की बात HSSC और उसके अलावा आपके पास जो भी ग्रेड 5 है 8 है इन सब का यहीं पर इसी जगह पर आपने होना है। अब देख सकते हैं आपके पास अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो रिजल्ट के लिए भी उसने बता रखा है, आप रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ उसको रीसेट करेंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो असल में स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी पंजाब बोर्ड के जो सॉरी KPK बोर्ड के, तो बेटा आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसी साइड के ऊपर आपका जो स्मार्ट सिलेबस है वो मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में बेटा हमारा